तो so डेफ़िनेटली आपकी गुड लक में जो है वो बेहद इजाफा जो है वो होने को जा रहा है और दूसरी खबर जो है वो भी बहुत अच्छी है वो ये है कि मार्स जो है वो आपके असेंडेंट को छोड़ रहा है नेगेटिव था आपके खाना माल में चला जाएगा यहाँ पे इसके असरात कुछ थोड़े मुख्तलिफ़ होंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे और कमर दरक्कब होगा आपके जाएचे के सातवें घर में ये अहम होगा आपके लिए बेहद अहम होगा क्योंकि ये आपके शरारती और अजदवाजी मामलात से मुतलका घर है यहाँ पर कमर को हबूत होगा सो ये होगा तीन चार पाँच को यहाँ पर आपने दो किलो टोटा चावल आटा या दूध का सदका जो है वो लाजमी तौर पर देना है मज़ीद डिटेल इसकी जो है वो आपको हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये कब शुरू हो रहा है और सदका एक ही बार सिर्फ देना काफ़ी इन शाह आपके लिए साबित होगा सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लानट वीनस वीनस इस वक्त चूंकि आपके ग्यारहवें घर में मौजूद है मैं आपको स्ट्रॉगली कहूँगा कि अगर आप अपनी पर्सनलिटी ट्रेड्स को आप करना चाह रहे हैं अपनी गुड लक को बढ़ाना चाह रहे हैं आपके कोई काम रुके हुए हैं उनको करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये आइडियल टाइम है और बेहतरीन जमस्टोन इस वक्त आपके लिए ब्लू टपाज वाइट सफायर और इसके अलावा आप जो है वो मैं आपसे कहूँगा कि लेप्स भी यूज़ कर सकते हैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा ब्लू कलर वैसे भी टॉरस के लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रहता है सूट बहुत करता है ब्लू कलर आप पहनेंगे तो आपकी शख्सियत में जो स्परिचुलिज़म है वो बढ़ेगा विजडम आपका जो है वो डेवलप होगा विजडम तो खैर आपका वैसे भी डेवलप होने जा रहा है चूँकि मार्स जो है ये आपके जायचे के ग्यारहवें घर में जाने लगा और ये एक बादी घर है इसलिए ये भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त आएगी फाइनेंशियल पोजिशन इस हफ़्ते भी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहेगी स्पेशली जो प्रैक्टिकल लोग हैं प्रैक्टिकल से मुराद मेरी है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं आप जॉब करते हैं या आप अपना कोई बिजनेस रन करते हैं किसी भी स्केल पे तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रहेगा लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें होंगी अब आपके पास पैसे आएंगे भी और ख़र्च भी होंगे बड़ी तेज़ी के साथ आप जो है वो ख़र्च भी करते चले जाएँगे लोगों में अपनी इमेज को आपको बेहतर करने का जो है वो बेहतरीन मौका अब जो है वो अवेलेबल होगा और आप अपने कैरी रोज़गार के हवाले से नए फैसले करेंगे पायदार फैसले करेंगे ये इन आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम जो है सेक्टर है दसवें घर में आपके के कैरी रोज़गार के घर में और जुपिटर भी साथ है तो आपको तरक्की मिलने के इमकाना तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोशन है आ, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना कीजिएगा जितनी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी और कदम कदम फोकस होएगा कदम कदम जो है वो आप चलते चले जाएंगे इन ये बेहतरीन आप करेगा तीसरे घर का हाकिम सैारा कमर जैसे मैंने बताया सातवें घर में इसको जो है वो महबूत होगा सो आपको तीन चार पाँच अपने नज़दीकी सफरों में एहतियात करनी है बहन भाइयों के साथ किसी भी किस्म के इतलाफ से जो है वो आपको ग्रेज़ करना है ये तीन दिन आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको बैलेंस करके चलाना ही जो है वो बेहतर होगा ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना और ये तीन दिन जो है वो आप ट्रेवल से पहले सदका जरूर दे लीजिएगा जैसे कि मैंने बताया कि दो किलो टोटा चावल आटा या दूध का सदका है ये भी बताता चलूँ कि ये एक फ़र्द का सदका है अगर आप अफराद ज़्यादा हैं तो सदक़े को भी जो है वो बढ़ा लीजिए और अगर खुदा नास्ता आप अफोड नहीं करते तो सदका जरूर दें चाहे आप जितना भी अफोर्ड करते हैं उसी के हिसाब से दें लेकिन सदका देना आपके लिए ज़रूरी होगा ये तीन दिन अपने शरीक याद के साथ कुछ मामला को आपको बैलेंस करना है आपके अपने बहन भाई की वजह से आपके शरीक याद के साथ कुछ मामला जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं सो तो थोड़ा सा मुतादरना बेहतर होगा चौथे घर का हाकिम सारा ग्यारहवें घर में घर का माहौल बहुत अच्छा आपकी गुड लक में इजाफा कर रहा है वालदा के साथ तल्लुत बेहतर होंगे बल्कि कहना ये चाहिए कि वालदे के साथ चूँकि सन आ, बाप को भी रिप्रजेंट करता है आपके चौथे घर का भी आके में ग्यारहवें घर में तो बेहतरीन दोस्ताना तलुकात जो है वो डेवलप होंगे और इन शाह आपको यहाँ पे आप कम्फर्ट जोन में जो है वो रहते हुए नजर आएंगे पाँचवें घर का आकम जो कि औलाद से मुतलिक है ये भी बहुत अच्छी जगह पर है और आपके एक से जायद कारोबार को भी शो कर रहा है सोर्स ऑफ फंडिंग को शो कर रहा है आपकी एजुकेशन जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है उसमें कोई आप बड़े फैसले ले सकते हैं और अच्छे फैसले ले सकते हैं आपके बड़े बच्चे जो हैं वो आपके कारोबारी मामल में जो है वो भी हेल्प करते हुए नज़र आएंगे एसटोरियन जो कि औलाद की ख्वाहिहिहिश रखते हैं परवदगार के फजल से उन्हें गुड न्यूज़ जो है यहाँ पर मिल सकती है आ, इसके अलावा इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना भी अब आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा लेकिन ये भी बता दूँ कि शायद आ, ये हफ़्ता आपके लिए बहुत हो अच्छा हो लेकिन नेक्स्ट वीक शायद मैं आपको बता सकूँ कि कब तक आप को इस पर करना है और उसके बाद ये सिलसिला जो है आपको छोड़ना होगा छठे घर का हाकिम सीरह आपकी सेहत आपकी जॉब आ, ये आपके जाए चौके ग्यारहवें घर में मौजूद है बहुत अच्छी पोजीशन है बेहतरीन जॉब मिल सकती है हंसब ख्वाहिश जॉब का असूल भी मुमकिन होगा और स्विच करना भी के लिए भी ये जो है बहुत ही आइडियल टाइम है आप इसको जो है वो स्विच कर सकते हैं अपने मुलाजमीन के साथ थोड़ा सा आपको जो है वो टॉलरेंस से काम लेना पड़ेगा चूँकि उनकी परफॉर्मेंस आपकी तो मुताबिक जो है वो नहीं होगी सातवां घर बहुत अहम चीज़ आपके शादी जबानी तालुकत मार्स अभी भी नेगेटिव है सो आपको सदका नहीं छोड़ना हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका जो है वो लाजमी दीजिएगा उन खातिनों हजरात को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिनकी जायचा पैदाइश में मार्स जो है वो नेगेटिव है आप लोगों को फिर यानी जिसको हम लोग मांगलिक भी कहते हैं आप लोगों को कुछ ख़ास एहतियात से जो है वो काम लेना होगा आ, शादी जैसी या निकाह जैसी तकरीबा के लिए ये वक्त जो है वो कतई तौर पर बेहतर नहीं होगा वरासती मामला आपके बैरून मलक सफ़र आपका सुसाली सोसालीज़ारा बहन भाइयों के साथ आपके तल्लत आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके तल्लत ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त रहती हुई नज़र आ रही बैरून मलक सफ़र की आपकी राहें खुल चुकी हैं चाहे आप कारोबारी तौर पर जो है वो सफ़र करना चाहें चाहे आप जो है वो आ, कोई ज़्यादातः मुकदसा के लिए जाना चाहें ये तमाम चीज़ें आपके सफर के हिसाब से जो है वो खुल चुकी हैं बैन अवी कवानीन जो हैं वो इन शाला अब वो भी बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि उनमें भी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और आप लोग जो है अब ट्रैवल की तरफ जो है वो जा सकते हैं इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपका गुड लक बहुत अरूज पे है हमारे वो बहन भाई जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है उन्हें मैं स्ट्रॉगली कहूँगा कि आपने जगह या सवारी की तब्दीली जो है वो नहीं करनी ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा इसी तरह इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों से भी कहूँगा स्पेशली जो स्पाउस वीज़े पे इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इस वक्त अगर आप करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी हाँ अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी वजह से लाजमी तौर पे करना है तो फिर हमारा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा होता है आप इस पर रबता करके अपने लिए कुछ स्पेशल रेमडीज़ जो है वो इख्तियार करके फिर आप अप्लाई करें इनशाला परिकार जो है वो फजल फरमाएगा उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप इससे मुस्तफीदों तो मुझे मेरी फैमिली को मेरी बी टीम को अपनी दुआ में जरूर याद कीजिएगा इजाज़त चाहूँगा खुदाफिज़